हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। और अपन बच्चों क्या करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म कर चुके हैं, तो एक DPP मैंने फॉर्म की है, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ पहले से मेरे पास पड़ी है, फॉर्म तो नहीं की है, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे पास ये DPP है, ये मैं आपको PDF भी भेज दूँगा आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो DPP 1 ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, DPP 1, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ 7 एंड 13 टर्म ऑफ एन AP बी 34 एंड 64 रेस्पेक्टिवली के, देन इट्स 18th टर्म विल बी, ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, ठीक है, 87, 88, 89 और 90, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। अपन देखते हैं बेटा, हमें ये दिया हुआ था, देखिए बेटा क्या होगा, हमें 7th टर्म क्या दिया हुआ है, 34, तो T7 हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 34 हो जाएगा, ठीक है, T7 34 हो गया, एंड 13 टर्म कितना दिया हुआ है, 64, T13 कितना हो गया, ये हो गया 64, इसका 18 टर्म हमें पता करना है। 7th टर्म क्या हो जाएगा बेटा, a plus n minus 1 into d, दैट इज a plus 60, ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 34, ठीक है। 13th टर्म क्या हो जाएगा बेटा, a plus 12 d, ये कितना आ जाएगा बेटा, 64, ठीक है। इसको अपन ने बोल दिया बेटा इक्वेशन नंबर 1, ये बोल दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2, और a और d अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्लियर है बेटा, क्या आ गया अपने पास, a plus 12 d इज इक्वल टू 64 एंड a plus 6 d इज इक्वल टू 34। सबट्रैक्ट किया, ये से कैंसिल आउट हो गया बेटा, 12 माइनस 6 क्या हो गया बेटा, 60 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 30 आ गया। तो d का वैल्यू क्या आ गया बेटा, d का वैल्यू आ गया 30/6, d का वैल्यू आ गया 5, ठीक है बेटा, d का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। देखिए अपन को क्या दिया हुआ था बेटा, इफ 7th टर्म एंड 13th टर्म ऑफ एन AP बी 34 एंड 64 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये कह रहा है 7th टर्म एंड 13th टर्म ऑफ एन AP बी 34 एंड 64 रेस्पेक्टिवली, कह रहा है देन इट्स 18th टर्म विल बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, अपन ने देखा 7th टर्म अपने को दिया था, 7th टर्म क्या हो जाएगा, a plus 60, ये कितना दिया हुआ है, 34, 13th टर्म दिया हुआ है बेटा 64, 13th टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, a plus 12, दैट इज इक्वल टू 64। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को अपन ने माइनस किया, अपने पास क्या आ गया, a plus 12 d इज इक्वल टू 64 और a plus 60 इज इक्वल टू 34। इक्वेशन 2 में 1 को माइनस कर दिया, अपने पास आ गया बेटा 60 इज इक्वल टू 30, तो d का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ d इन 1, 1 में पुट किया बेटा अपन ने, 1 में पुट किया अपन ने, तो क्या आ जाएगा अपने पास, a plus 6 into 5 इज इक्वल टू 34, ठीक है, a plus 6 into 5 इज इक्वल टू 34। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a plus 30 इज इक्वल टू 34, तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू 34 माइनस 30, a का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 4 आ गया, ठीक है, क्या a का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। तो अपने पास आ गया बेटा a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। अपने को पता क्या करना है बेटा, 18th टर्म विल बी, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 18th टर्म अपने को निकालना है, तो t18 क्या हो जाएगा हमारे पास, a plus 17 d, ठीक है, 18th टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, a plus 17 d, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा हमें, देखो a की वैल्यू दी है 4, प्लस 17 इंटू d की वैल्यू कितनी दी हुई है, d की वैल्यू है 5, ठीक है, d की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 plus 75, तो ये कितना हो जाएगा, 79, तो ये आ जाएगा हमारे पास T18, कितना आ गया बेटा, 79 आ गया, ठीक है, T18 आ जाएगा हमारे पास 79, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन क्या क्या थे, अपने पास ऑप्शन थे
87, 88, 89, 90 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यार अपन ने? 75 नहीं होता है, 85 होता है, सॉरी फॉर देट, ये 75 हो जाएगा, 85 की 15 75 होता है ना, ये जो आंसर आ गया ये आ गया 89, ठीक है। तो हमारे पास आंसर थे 87, 88, 89, 90, तो सी ऑप्शन आंसर आ गया अपने पास, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है बच्चों? ठीक है, इरेज करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर अपन अच्छे से करेंगे क्योंकि ये देखिए प्लस वन प्लस टू में भी और जेई एडवांस में भी, जेई मेंस में भी इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो प्लस वन में भी है सिलेबस में, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, इफ पी प्लस क्यू एथ एंड पी माइनस क्यू एथ टर्म्स ऑफ एन ए पी, टर्म्स ऑफ एन ए पी आर एम एंड एन रेस्पेक्टिवली, एम एंड एन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कह रहे देन पी एथ टर्म विल बी, देन पी एथ टर्म इज, ठीक है, देन पी एथ टर्म इज, ठीक है। तो पी एथ टर्म हमारा क्या होगा? ठीक है बेटा, अब देखो बेटा हमें क्या कह रहा है, पी प्लस क्यू एथ टर्म क्या है, एम है, पी पी प्लस क्यू क्या हो गया बेटा हमारे पास, एम हो गया, ठीक है। पी माइनस क्यू एथ टर्म क्या हो गया, एन हो गया, तो टी ऑफ पी माइनस क्यू आ गया एन हमारे पास। तो हमसे कह रहा है पी एथ टर्म क्या होगा, ठीक है। P प्लस क्यू एथ टर्म एम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है बेटा, देखो ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम दिया हुआ है। यहाँ से क्या दिया बेटा, ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम दिया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो बेटा आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है इट्स पी एथ टर्म, पी एथ टर्म क्या होगा इसका, पी एथ टर्म होगा बेटा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये होगा इसका पी एथ टर्म, ठीक है। ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, दिस विल बी इट्स पी एथ टर्म, ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे पी एथ टर्म हमें निकालना है, अच्छा 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 मैं क्या सोच रहा हूँ, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बनाना है। पी माइनस वन बनेगा क्या जब यहाँ से क्यू हट जाए, यहाँ से क्यू कब हटेगा जब इक्वेशन वन में हम इक्वेशन टू को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्यू कब हटेगा, देखो ध्यान से, यहाँ से क्यू कब हटेगा जब हम इक्वेशन वन में इक्वेशन टू को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ऐड एड इक्वेशन वन प्लस एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को बेटा ऐड किया, देखो क्या आ गया आपके पास, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम एंड ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन। देखो जब ऐड करेंगे तभी तो पी माइनस वन क्रिएट होगा, ऐड किया तो देखो ए प्लस ए क्या हो गया, टू ए प्लस डी कॉमन लिया आपने, देखिए यहाँ पे क्या आया आपके पास, p प्लस क्यू माइनस वन प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन, यही तो आया, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, m प्लस एन, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा q से q कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, p प्लस पी क्या हो गया, 2p हो गया, तो 2a प्लस डी इंटू 2p माइनस टू इज इक्वल टू एम प्लस एन, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 2 मैंने कॉमन ले लिया बेटा, 2a प्लस 2 कॉमन लिया, p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम प्लस एन, ठीक है। 2 कॉमन लिया तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, देखो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम प्लस एन, तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी
इज इक्वल टू एम प्लस एन बाई टू, ठीक है, ये आ गया बेटा। ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम प्लस एन बाई टू, ठीक है। तो यही तो हमारा क्या है पी एथ टर्म है, तो हमारे पास टी पी क्या आ गया, टी पी आ गया मेरे पास एम प्लस एन बाई टू, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है बेटा, दिस विल बी आर आंसर। तो अपने पास चार ऑप्शन थे, ऑप्शन वन था हमारे पास हाफ ऑफ एम प्लस एन, यही है हमारे पास आंसर। ऑप्शन टू है हमारे पास टू स्क्वायर रूट ऑफ एम एन, ऑप्शन थ्री है एम प्लस एन, ऑप्शन फोर है एम एन, तो पहला ऑप्शन आंसर आ गया। वापस से देखते हैं बेटा, क्वेश्चन कह रहा था कि इफ पी प्लस क्यू एथ टर्म एंड पी माइनस क्यू एथ टर्म ऑफ एन ए पी आर एम एंड एन रेस्पेक्टिवली, तो कह रहा है कि भाई देन पी एथ टर्म विल बी, ठीक है। तो अपन ने देखा पी प्लस क्यू एथ टर्म क्या है, एम है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम आ गया। और इसी तरह से देखो a प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी क्या आ गया हमारे पास, n आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमसे कह रहा है कि पी एथ टर्म क्या होगा, पी एथ टर्म होता क्या है बेटा, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ना, ये हमें पता करना है। अब मैंने ये सोचा a कैसे बनेगा और p माइनस वन कैसे बनेगा, तो p माइनस वन पहले सोचा, तो अगर यहाँ से q हट जाए दोनों जगह से तो एम पी माइनस वन बन जाएगा। तो अपन ने क्या कहा भाई कि यहाँ पे प्लस का क्यू है यहाँ माइनस क्यू है, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड किया तो देखिए ए प्लस ए हो गया टू ए, डी मल्टीप्लाई हो रहा था डी कॉमन लिया, पी प्लस क्यू माइनस वन पी माइनस क्यू माइनस वन ऐड मारा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, टू पी माइनस टू टू कॉमन लिया पी माइनस वन आ गया, टू ए प्लस ट्वाइस ऑफ पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम प्लस एन। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी क्या आ गया बच्चों, पी एम प्लस एन अपॉन टू, क्लियर है क्या। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है बेटा द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड टू ए, कह रहा है द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर ए कॉमा बी एन टू ए, द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी इज, द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी इज, ठीक है। देखिए बेटा क्या कह रहा है हमसे, द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड टू ए, नंबर ऑफ टर्म इन ए पी पूछ रहा है, ठीक है, क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब देखो बेटा हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी इज एन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी इज एन, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है बेटा, ए जो है ये ए दिया हुआ है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो सेकेंड टर्म क्या हुआ, देखो टी वन दिया हुआ है हमें ए, सेकेंड टर्म हो गया बेटा हमारे पास बी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास बी माइनस ए, लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है टू ए, ठीक है, लास्ट टर्म हमें क्या दिया हुआ बेटा टू ए, ठीक है, बी माइनस ए है लास्ट टर्म बेटा दिया हुआ है टू ए, ठीक है। तो टी एन क्या होता है हमारे पास बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू ए, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहे हैं भाई कि
ए की वैल्यू कितनी है, ए एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, बी माइनस ए है, इज इक्वल टू टू ए, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए, ठीक है, माइनस वन इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू टू ए, ठीक है। पहले इसका मल्टीप्लाई किया मैंने बी माइनस ए में, फिर माइनस वन का मल्टीप्लाई किया बी माइनस ए में, क्लियर है बच्चों। तो ये क्या हो गया, देखिए एन टाइम्स बी माइनस ए इज इक्वल टू आ गया टू ए माइनस ए, ये प्लस का ए राइट साइड गया तो क्या हो गया, माइनस ए हो गया, ठीक है। माइनस का बी माइनस ए जब राइट साइड जाएगा तो प्लस का बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ देखो बेटा, टू ए माइनस टू ए, माइनस ए माइनस ए माइनस टू ए प्लस बी, ये हो गया, इससे कैंसिल हो। तो एन टाइम्स बी माइनस ए हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, बी आ रहा है, तो एन का वैल्यू क्या आ गया, बी अपॉन बी माइनस ए, बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, बी अपॉन बी माइनस ए, ये आ गया अपने पास बेटा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया बेटा, देखो यहाँ पे द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड टू ए, देन नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी इज, तो अपन ने अज्यूम किया लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी इज एन, ठीक है। टी वन की वैल्यू हो गई ए, टी टू की वैल्यू हो गई बी, डी का वैल्यू हो गया टी टू माइनस टी वन, दैट इज बी माइनस ए, ठीक है भाई। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्लियर है क्या। तो अपन ने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, और टी एन क्या होता है हमारे पास, टू ए दिया हुआ है, लास्ट टर्म टू ए दिया हुआ है, अपन ने लास्ट टर्म क्या लिया हुआ है, एन एथ थीटा हम लास्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू ए, तो अपन ने यहाँ पे सारा वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया, एन का वैल्यू क्या आ गया, बी अपॉन बी माइनस ए, तो ये आ गया अपने पास ऑप्शन वन, क्लियर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, कह रहे सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ एन ए पी इज वन फोर्थ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स, ठीक है। कह रहे सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ एन ए पी इज वन फोर्थ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म, इफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू टू, ठीक है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इज, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी इज, ए पी इज, ठीक है बेटा। और आंसर है हमारे पास, ऑप्शंस हैं सिक्स माइनस सिक्स थ्री एंड नन ऑफ दीज, ठीक है, ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। देखिए बेटा क्या करेंगे अपन, हमसे कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ एन ए पी इज वन फोर्थ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स क्या होंगे,
सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म, नाइन टर्म, टेन टर्म, यही तो हुआ मीनिंग। सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म इज इक्वल टू क्या कह रहा है, वन फोर्थ ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स, टी सिक्स प्लस टी सेवन प्लस टी एट प्लस टी नाइन प्लस टी टेन, ठीक है, यही तो होगा। सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ एन एपी इज वन फोर्थ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स, ध्यान से पढ़ने वाली बात है। सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स, पहले पांच टर्म का सम, ठीक है, बाद के पांच टर्म के सम का वन फोर्थ है, ठीक है ना। सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ द एपी इज वन फोर्थ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स, क्लियर है बच्चों, ये चीज़ है अपने पास, ठीक है। अब देखते हैं अपन बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस फाइव, पाँच टर्म का सम क्या होगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई फोर, ठीक है। अब देखो सारे टर्म ए पी में है, तो यहाँ पे जो ए होगा वो क्या होगा, सिक्स टर्म, वहाँ पे जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सिक्स टर्म हो जाएगा। हियर इसके लिए जो अगर हम ए यूज़ करें तो ए कितना हो जाएगा हमारे पास, टी सिक्स, और टी सिक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस फाइव डी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस विल बी डी, ठीक है, डी विल बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन बाई टू क्या हो जाएगा, वन बाई फोर, ठीक है, वन बाई फोर इंटू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए की जगह हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, ए प्लस फाइव डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, फाइव बाई टू इंटू टू ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू वन बाई फोर इंटू फाइव बाई टू इंटू टू ए, टू इंटू ए इज टू ए प्लस टू इंटू फाइव इज टेन डी प्लस फोर डी, ये आया बेटा आपके पास, ठीक है। फाइव बाई टू से फाइव बाई टू कैंसिल हो गया, आपको फर्स्ट टर्म की बेटा वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट टर्म इज टू, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू टू प्लस फोर डी इज इक्वल टू वन बाई फोर इंटू टू इंटू टू प्लस फोर्टीन डी, ये तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर प्लस फोर डी का इंटू फोर, ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू बेटा हो गया फोर प्लस फोर्टीन डी, ठीक है, फोर प्लस फोर्टीन डी, ये देखिए फोर फोर जा हो गया बच्चों सिक्सटीन, प्लस फोर फोर या सिक्सटीन डी, ठीक है, फोर फोर या सिक्सटीन, फोर फोर या सिक्सटीन डी इज इक्वल टू फोर प्लस फोर्टीन डी, ठीक है। यहाँ पे देखो एस फाइव क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म इज इक्वल टू वन फोर्थ ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स, क्लियर है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, तो ए की वैल्यू हो गई ए प्लस फाइव डी, ठीक है, और फिर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, डी रहेगा क्योंकि सारे एपी में ही है, सेम एपी का क्वेश्चन है। तो अपने पास क्या हुआ, बस यही समझने वाली बात है, जो फर्स्ट टर्म यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा हमारे पास, ए प्लस फाइव डी, देखो फोर्टीन डी लेफ्ट साइड है, सिक्सटीन डी माइनस फोर्टीन डी इज इक्वल टू फोर माइनस सिक्सटीन, ठीक है, सिक्सटीन डी माइनस फोर्टीन डी इज इक्वल टू फोर माइनस सिक्सटीन। तो यहाँ पे क्या आ गया, टू डी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ट्वेल्व अपॉन टू, डी इज इक्वल टू आ गया बच्चों हमारे पास माइनस सिक्स, ये आ जाएगा हमारे पास डी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, क्लियर है बच्चों, देखिए डी इज इक्वल टू माइनस सिक्स। तो यही हमें पता करना था, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी क्या होगा, जो रिलेशन दिया हुआ था, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म इज इक्वल वन फोर्थ ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म। तो हमें देखना नेक्स्ट फाइव, फिफ्थ के बाद नेक्स्ट फाइव कौन से होंगे, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो हैं तो ये पांच ही टर्म, लेकिन बस इनका पहला टर्म हमें पता करना है। तो ए यहाँ पे हमने कैपिटल ए बोल दिया, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टी सिक्स, टी सिक्स क्या है, ए प्लस फाइव डी, फॉर्मूला वही लगा, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सिंप्लीफाई करते हैं, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस सिक्स। फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ था टू, मतलब स्मॉल ए की वैल्यू हमें दी हुई थी टू, इरेज करते हैं बच्चों,
चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं बेटा। हम तो कह रहा है इफ एक्स वाई जेड आर इन ए पी देन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये आएगा बेटा। चलिए देखते हैं बेटा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड, अच्छा जो ऑप्शन है बच्चों वो सारे के सारे वाई और जेड में है, ठीक है, जो ऑप्शन है वो सारे के सारे किसमें है, वाई और जेड में है। इट मीन्स हमें एक्स को आंसर से एलिमिनेट करना है, बस हमें एक्स को एलिमिनेट करना है। अब ये बताओ बच्चों, अगर तीन टर्म हमारे पास ए पी में है, ठीक है, एक्स वाई जेड अगर ए पी में है, ठीक है, एक्स वाई और जेड ये बेटा अगर ए पी में है, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ए पी की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, दैट विल इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म जेड माइनस वाई, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ठीक है, टू वाई, वाई को इधर ले, देखिए हमें एक्स सब्सटीट्यूट करना है क्योंकि ऑप्शन हमें सारे वाई और जेड में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू वाई प्लस जेड, ये आ गई एक्स की वैल्यू, सॉरी टू वाई माइनस जेड प्लस जेड लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। अपन पुट करते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या रखी है टू वाई माइनस जेड, टू वाई माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, एक्स की यह रख दिया अपन ने, एक्स की अपन ने रख दिया, ठीक है, टू वाई माइनस जेड माइनस टू वाई प्लस जेड, ठीक है, जेड की अपन ने सॉरी एक्स ही यहाँ पे रख दिया टू वाई माइनस जेड, तो माइनस टू वाई प्लस जेड, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारे पास टू वाई प्लस वाई थ्री वाई माइनस टू जेड इंटू, ठीक है, ये आ गया बच्चों वाई माइनस वाई प्लस वाई प्लस टू जेड, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, थ्री वाई का माइनस वाई में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास थ्री वाई का माइनस वाई में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का थ्री वाई स्क्वायर, थ्री वाई का माइनस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिक्स वाई जेड प्लस सिक्स वाई जेड, ठीक है, माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई जेड प्लस का टू वाई जेड प्लस का टू वाई जेड प्लस का टू वाई जेड माइनस का फोर जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस का फोर जेड स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। नाउ अपन देखते हैं बेटा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इससे ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन देखते हैं कोई है क्या ऐसा, ऑप्शन क्या है हमें, अच्छा वाई जेड, वाई जेड वाले टर्म एक साथ हो जाएंगे, सिक्स और टू हो जाएगा एट वाई जेड माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फोर जेड स्क्वायर, तो बेटा हमारे पास है एट वाई जेड माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फोर जेड स्क्वायर, ऑप्शन ए ही आ जाएगा। ये डी पी भी जो है ये मैं अभी आप लोगों को पी डी एफ भेजता हूँ, ठीक है ना, मतलब आज आप इसका लिंक देख लेंगे इसमें, ठीक है, पढ़ा होगा। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास एट वाई जेड माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फोर जेड स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 105 एंड 1000, द नंबर ऑफ नंबर बिटवीन, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 105 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 7 इज, which are divisible by, ठीक है, by 7 is, ठीक है ना। ये जो डी पी पी मैंने बनाई है या बनी हुई है जो, ये एन डी एस सी लेवल की डी पी पी है, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 105 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 7 इज, ठीक है। तो पहले देखते हैं बच्चों पहला नंबर क्या मिलेगा, ठीक है। 105 को 7 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 7 बन जा 7, 35, 7 5 35, ठीक है। पहला नंबर हमारा क्या हो गया, 105 ही हो गया, पहला नंबर तो 105 हो गया, क्लियर है। पहला नंबर हो गया 105, फिर आ जाएगा 112, 119 एंड सो ऑन, 7 ऐड होता जाएगा। लास्ट नंबर क्या है बच्चों हमारे पास, 1000 है, 1000 को 7 से डिवाइड किया तो 7 बन जा 7, यह आया 3 0, 7 4 जा 28, यह आया 2 0, 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है। इट मींस जो लास्ट नंबर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1000 माइनस 6, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 994, क्योंकि हमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 104 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 7, तो क्या आएगा हमारे पास, लास्ट नंबर डिविजिबल बाई 7 इज 994, ठीक है। क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो कॉमन डिफरेंस था वो 7 ही रहेगा, 7 ऐड करते हो, 7 से डिवाइड कर रहे तो कॉमन डिफरेंस विल बी 7 ओनली, ठीक है। 7 ऐड करते गए अपन, 7, चलिए बच्चों देखते हैं, वन जीरो फाइव, 112, 119, 126 एंड सो ऑन अप टू 994, ये हमें मिल गई एपी, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, यही तो पूछ रहा है, द नंबर ऑफ नंबर्स, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 105 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 7, जो कि 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 ए हो गया हमारे पास 105, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी हो गया 112 माइनस 105, कितना आ गया बच्चों 7, ये हमें पता ही है, तभी तो हमने इसका सेकंड नंबर लिखा था भाई, 7 का मल्टीपल की बात हो रही है तो कॉमन डिफरेंस 7 ही होगा, सारे नंबर क्या होंगे 7 7 के डिफरेंस पे ही होंगे, ठीक है। लास्ट टर्म जो है हमारे पास बच्चों वो है 994, टी एन कितना दिया हुआ है 994 दिया हुआ, ठीक है। क्या जाएगा हमारे पास, देखिए टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन हमारे पास 994 इज इक्वल टू ए 105 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों देखिए 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n-7, ठीक है बच्चों। ये आ गया बच्चों हमारे पास 994 इज इक्वल टू 112 प्लस 7n, 7n कितना आ गया 994 माइनस 112, 7n आ गया हमारे पास 2, ये आ गया 88, ठीक है।
तो n का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, n का वैल्यू आ गया 882 अपॉन 7, ठीक है, n का वैल्यू आ गया 882 अपॉन 7, तो n का वैल्यू आ गया 1, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया 126, तो देयर विल बी 126 टर्म्स विच विल लाई बिटवीन 105 to 1000 विच आर डिविजिबल बाई 7, ठीक है, समझ में आया बच्चों हमारे पास, हमसे क्या कह रहा था, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 105 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 7 इज, ठीक है, ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 105 से 1000 के बीच में लाई कर रहे हैं और डिविजिबल किससे होंगे, 7 से, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 105 पहला नंबर था हमने चेक किया, 1000 लास्ट नंबर था हमने चेक किया, तो उसमें 6 रिमाइंडर आ रहा था, तो रिमाइंडर आ रहा था इसलिए अपन ने क्या किया बेटा उसे, ठीक है, 6 माइनस कर दिया, इट मीन्स द लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 विल बी 994, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया 994 बता दिया, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, टी एन निकाल लिया, ठीक है, तो टी एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7, तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बच्चों हमारे पास 126, तो दैट विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा, तो आंसर में हमारे पास है 6 में 142 ऑप्शंस हैं, 142, 128, 127 एंड नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर क्या है बच्चों 126, ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, 6 का आंसर, ठीक है, नन ऑफ दीज आ जाएगा, चलिए आगे देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे वापस से कर लो, 7 1 7 वन है 7, ठीक है, 7 5 7 6, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा, ओ लफड़ा कर दिया बच्चों, सॉरी, गलत है आंसर अपना, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 ऐड मारा अपन ने इसमें, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे ये आएगा बच्चों 98, गलत कर दिया, 98, तो ये हो जाएगा हमारा 896, ये आ जाएगा 896, ठीक है ना, 896, ठीक, 896 अपॉन 7 करेंगे, तो 7 1 जा 7, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, तो आंसर विल बी 128, ये आंसर होगा हमारे पास, ठीक है बच्चों, आंसर आ जाएगा 128, ठीक है, 7n माइनस 7, तो इसमें से माइनस 7 किया तो 98 आया, 98 इसमें तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो 98 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 896, ठीक है, तो 896 आ जाएगा यहाँ पे, और उसी हिसाब से आप जब कैलकुलेट करो तो n का वैल्यू कितना आ रहा है 128, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी 128, ठीक है, अब चूंकि हमसे क्या बोल रहा था बेटा कि बिटवीन बोल रहा था, बिटवीन 105 एंड 994, ठीक है, तो इंक्लूडिंग 105, क्योंकि ए हमने किसको लिया 105 को लिया था, इंक्लूडिंग 105 आंसर आ रहा है 128, अगर बिटवीन 105 एंड 1000 पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 127, ठीक है ना, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स, ठीक है ना, अगर इंक्लूडिंग 105 पूछता तो हमारे पास हो जाता 128, अगर हमसे पूछ रहा है बिटवीन तो जो फर्स्ट टर्म है वो 112 यूज होगी, क्लियर है क्या, तो वहाँ पर आंसर आ जाएगा 127, ठीक है, इरेज करता हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है, तो ये DPP काफ़ी अच्छी है और आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा इसको प्लीज़, ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हमसे, ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है इफ़ द नंबर्स ABCD फॉर्म एन AP, ABCDE फॉर्म एन AP, फॉर्म एन AP, ठीक है, then the value of, ठीक है, A-4B +6C -4D +E, ठीक है बच्चों, मुझे क्वेश्चन जे ई मेन्स में आ चुका है, ठीक है ना, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जे ई मेन्स में पूछा जा चुका है, देखिए कह रहा है ABCD फॉर्म एन AP, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है,
अब देखो हमारे पास क्वेश्चन वेरिएबल कितने हैं, पाँच हैं, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम करने के, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे सारे कैसे रहे क्या हैं एपी में, तो अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, यहाँ पे ले लिया फर्स्ट टर्म इज ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए सबको दिख रहा है, एंड लेट कॉमन डिफरेंस इज एक्स, ठीक है, तो हमारे पास बी क्या हो जाएगा, बी इज द सेकेंड टर्म, ये क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स, सी क्या हो जाएगा ए प्लस टू एक्स, थर्ड टर्म हो गई ना, डी क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म, ये क्या हो जाएगी ए प्लस थ्री एक्स, और ई क्या हो गया हमारे पास फिफ्थ टर्म ए प्लस फोर एक्स, ये आ गया हमारे पास। देखो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, यही होते हैं हमारे पास, ठीक है। हमें क्या देखना है बेटा, हमें देखना है ए माइनस फोर बी प्लस सिक्स सी माइनस फोर डी प्लस ई, ठीक है, ए की जगह बेटा अपन ए डालेंगे, माइनस फोर टाइम बी क्या हो गया ए प्लस एक्स, प्लस सिक्स टाइम सी क्या हो गया ए प्लस टू एक्स, माइनस फोर टाइम डी हो गया ए प्लस थ्री एक्स, प्लस ई हो गया ए प्लस फोर एक्स, ये हो गया बेटा हमारे पास, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे देखें अगर अपन तो ए वाले टर्म मैं एक साथ ले रहा हूँ पहले, चलिए पहले सिंप्लीफाई करते, माइनस फोर ए, माइनस फोर ए एक्स, सॉरी माइनस फोर एक्स, ठीक है, प्लस सिक्स ए, प्लस का ट्वेल्व एक्स, माइनस का फोर ए, प्लस माइनस का ट्वेल्व एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो गया प्लस का ए, प्लस का फोर एक्स, ठीक है बेटा। अगर बेटा अपन ध्यान से देखें ये फोर एक्स है, ये फोर एक्स गया, ये ट्वेल्व एक्स है, ये ट्वेल्व एक्स गया, ठीक है, और अपने पास देखो ए प्लस सिक्स है, सेवन है, सेवन ए प्लस ए कितना आ गया एट ए, माइनस फोर ए, माइनस फोर ए, माइनस का एट ए, आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास जीरो, ठीक है, आंसर कितना आ गया बेटा हमारे पास जीरो। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए क्वेश्चन कह रहा था बेटा हमारे पास कि इफ द नंबर्स ए बी सी डी ई फॉर्म एन ए पी, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस फोर बी प्लस सिक्स सी माइनस फोर डी प्लस ई, ठीक है, तो ए बी सी डी ई, ठीक है ना, इसके हमें क्या बोलते हैं क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है, ए बी सी डी हमें बता रहा था बेटा ये एपी में है, ठीक है, और इसकी वैल्यू बतानी थी, सॉरी फॉर दैट, ये एपी में दिया हुआ था और इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो अपन ने ले लिया लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, क्योंकि यहाँ पे डी इन्वॉल्व था इसलिए कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया बेटा हमने एक्स ले लिया, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास ए प्लस एक्स, थर्ड क्या हो जाएगा ए प्लस टू एक्स, फोर्थ क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री एक्स, फिफ्थ क्या हो जाएगा ए प्लस फोर एक्स, ये हो गया हमें। हमें क्या कह रहा था ए माइनस फोर बी प्लस सिक्स सी माइनस फोर डी प्लस ई, पुट कर दो वैल्यू, ए की जगह ए आया माइनस फोर टाइम बी की जगह आ गया ए प्लस एक्स, प्लस सिक्स टाइम ए प्लस टू एक्स, माइनस फोर टाइम ए प्लस थ्री एक्स, प्लस ई कितना आ गया ए प्लस फोर एक्स आ गया, सबको पुट किया अपन ने, ठीक है, सिंप्लीफाई किया, आंसर हमें क्या मिल रहा है बेटा जीरो, ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन में देखिए थर्ड ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास जीरो, ठीक है। चलिए तो अभी तक के लिए वन टू सेवन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसके आगे इसमें फर्स्ट डी पी पी में आपके 20 क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम टुडे।